उत्तराखंड में तपोवन के पास ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा रविवार सुबह गिर गया। इसी की वजह से ऋषि गंगा पर बना बांध टूट गया। इस कारण जानमाल के भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू टीम को भेज दिया गया है। चमोली में हुई घटना के बाद धरादेवी मंदिर को भी खाली करा दिया गया है। प्रशासन ने धरादेवी मंदिर को भी खाली कराया गया। चमोली जिले के नीति घाटी में ग्लेशियर टूटने से तबाही। हरिद्वार और ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने दिए गंगा घाटों को खाली कराने के आदेश। गंगा किनारे बसे लोगों को सरकारी भवनों में शिफ्ट करने की तैयारी। तेज उफान पर बह रही अलकनंदा नदी, मैदानी क्षेत्रों में भी बढ़ सकता है गंगा का जलस्तर। अरे टनल में है बहुत आदमी यार। टनल क्या है, बंद है? टनल बंद है, खुला है? टनल बंद हो गया, सारे आदमी कोई पता नहीं है भाई, इनको पता हो अब आदमी निकाल ले, हम अभी ऊपर हैं, अब तो पानी शांत हो गया ना। हेलो, हाँ हाँ बहुत दूर है हम तो ना। इस समय उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए, चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं मेरा, कृपया वो ध्यान दे, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश तक जहाँ तक भी है, जल्दी से जल्दी ध्यान दे, कृपया संभलने का प्रयास करे। श्रीनगर में अलर्ट हो जाए सभी लोग। चमोली यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौलीगंगा पूरा चार